हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये मैं दुर्गा माता की यहाँ पे पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब कंप्लीट होगी तो दिखाऊंगी, ऐसा मैं पिछले वीडियो में बोली थी। तो कंप्लीट हो चुकी है, आगे आप लोग देखिएगा ही। तो कैसी बनी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं बनाई थी। 2 दिन में ये बनी थी, और कैसी बनी है देखिएगा अभी आप लोग आगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और आज है अष्टमी, आज है गौरी माता का दिन। तो यहाँ पे पहले मैं पेंसिल से बना ली थी, और उसके बाद फिर मैं जो ब्लैक स्केच होती है ना, पॉइंटेड वाली पतली वाली, उससे बनाई थी। ब्लैक स्केच नहीं, ब्लैक वाली जो मार्कर होती है उससे बनाई थी। पतली वाली जो मार्कर होती है ब्लैक कलर की, उससे मैं बनाई थी इसे। ये वीडियो में फर्स्ट डे बनाई थी, और फर्स्ट डे में सिर्फ पेंसिल वाली जो ड्राइंग होती है वो की थी, और आधी हुई थी जो मार्कर होती है उससे की थी, और आधी में नेक्स्ट डे की थी। तो आगे मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुकी थी, और नवमी का ये तो शायद दूसरा दिन था। तो मेरे जो घर थे वो सारे क्लीन हो चुकी थी, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दी थी। सारे काम होने के बाद मैं नहा ली थी, और मैं तैयार हो रही थी जब तो हस्बैंड ने ये क्लिप निकाली है। यह मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जाऊंगी और पूजा करूंगी। पूजा करके पाठ वगैरह करने हैं, पाठ करूंगी। मैं फास्ट वगैरह नहीं रखी थी नवरात्रि में, लेकिन पाठ वगैरह कर रही थी मैं। वह किस प्रकार उत्पन्न हुई है, ब्राह्मण देव उनका कार्य क्या है, उन देवी का जिस प्रकार प्रभाव है, जो उनका स्वरूप स्वरूप है, एवं जिस प्रकार वह प्रकट हुई है। अत विनेश्वरी स्त्रोत निशुंभ सुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनेरणी प्रकाशिनी भजामी विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृह गृह निवासिनी भजामी विंध्यवासिनी दरिद्र दुखहारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोकहारिणी भजामी विंध्यवासिनी। यहाँ पे मैं पाठ वगैरह की थी, उसके शायद नेक्स्ट डे या उसके दूसरे दिन मैं मार्केट गई थी जूडियो। तो क्या क्या सामान लाई हूँ मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को, और उस दिन बीर बाजार भी थी, काफी भीड़ थी मार्केट में, आगे आप लोग देखिएगा। जिस दिन हम लोग मार्केट गए थे उस दिन वीरवार थी, यानी कि थर्सडे थी, और थर्सडे को ढाका पे इस तरह से मार्केट लगती है, और काफी भीड़ अभी नहीं हुई थी क्योंकि जस्ट मार्केट लगी थी और हम लोग वहीं से क्रॉस करते हैं। तो बस इसके बाद जब लौटे थे वहाँ से तो काफ़ी भीड़ थी। इसके बाद फिर हम लोग आगे मार्केट चले गए थे कमला नगर, क्योंकि मेन शॉपिंग हम लोग वहीं से करते हैं। तो हम लोग इस शॉप में गए थे सूट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मुझे यहीं से सूट चाहिए थी, और मैं जो देख के गई थी वो उनके पास में थी नहीं, सिर्फ एक पीस थी। आप लोग आगे देखिएगा, एक पर्पल सी कलर की रखी हुई थी, लास्ट में आपको टेबल पर दिखेगी। तो सूट वगैरह की रेट भी काफ़ी हाई थी, उतनी रेंज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पूछी थी तो सेम वही सूट की रेट थी। आई थिंक 800 या 700 हो गए, 700 नहीं, 850 समथिंग थी, 800 से 850, और अभी वही सूट 1600 के लगभग वो बता रहे थे। तो फिर मैं यहाँ से नहीं ली थी, यहाँ से चली गई थी। यहाँ लोकल मार्केट से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, और यहाँ से हम लोग निकल गए थे इस तरह की वहाँ की जो लोकल मार्केट है। हम लोग जूडियो निकल गए थे, तो वहाँ से जो भी सामान लिए आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्या क्या लिए हूँ मैं, मेकअप प्रोडक्ट और कपड़े वगैरह। यहाँ से हम लोग घर के लिए निकल गए थे, तो रास्ते में हस्बैंड और बेटे कचौड़ी और जो सब्जी मिलती है बिना प्याज लहसुन की, उन लोगों ने वो खाए थे, मैं नहीं खाई थी। और ये है नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ
दुर्गा जी की जो तस्वीर है वो, तो आज फाइनली मैं कंप्लीट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये मैं बनाई थी सैटरडे, इट मीन्स कल बनाई थी और कल कंप्लीट की थी इसे। तो बहुत ये गैप गैप में ये 1 वीक की सब जोड़ करके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जो सुबह की वीडियो मेरी जो ब्लॉगिंग की है वो शायद नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे दुर्गा पूजा की शॉपिंग की और ये ड्राइंग की कुछ वीडियो रह गई थी मार्केट वगैरह की, तो वो मुझे शेयर करनी थी। तो मैं सोची पहले इसे शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों से जो उससे पहले की भी जो मेरी जो डेली रूटीन होती है वो थोड़ी थोड़ी सी थी 1-2 दिन की, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। थोड़ी सी ड्राइंग की जो डिज़ाइन है यहाँ पे चेंज हो गई है, यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से है, और इस साइड की जो इसे कुछ तो कहते हैं, ये बड़ी है और इतनी छोटी हो गई है, पर कैसी बनी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। पहली बार मैं बनाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, और आज है सप्तमी और सप्तमी के दिन कुछ पूजा होती है, अभी मैं करूँगी। थोड़ी देर में हस्बैंड आ गए हैं, थोड़ा सा वो फ्रेश हो रहे हैं, तो मैं जूडियो से क्या क्या शॉपिंग की थी वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है इस तरह से, इसमें तीन चीज़ मिली है, एक है लिप बाम, एक है लिप स्क्रब और एक है मिनी लिपस्टिक। तो देखती हूँ ट्राई करके ये कैसी होगी। और इसकी प्राइस 199 थी और काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी मतलब वैरायटी थी वहाँ पर, जूडियो में बहुत सारी थी, तो मुझे जो ज़रूरत थी मैं वो लेकर के आई। तो ये है एक लिपस्टिक जूडियो की और ये भी बहुत अच्छी है, एंड ये मैट में पिंक ड्रीम्स P5, और ये वो ये लगी ये थी 99 की। तो ये क्रेयॉन में है इस तरह से, तो अभी मैं नवरात्रि में चढ़ाऊंगी माता रानी को, उसके बाद फिर मैं इसे लगाऊंगी। तो ये ली हूँ मैं, और एक दो लिपस्टिक देखी हूँ, देखूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेकर के आऊँगी। तो ये थर्ड प्रोडक्ट, ये है जूडियो की आईलाइनर जो ब्लैक कलर की है। तो सैंपल थी यहाँ पे, तो मैं लगा करके देखी थी, तो वो अच्छी थी, दूसरे दिन तक भी मेरे हाथ में लगी हुई थी क्योंकि मैं हैंड वॉश भी की और तो भी वो नहीं निकली थी। तो वही मैं कह रही थी कि देखती हूँ, मुझे जब मैं यूज़ की तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं ये ब्लैक कलर में लेकर के आई हूँ और एक कलर देखी हूँ, नेक्स्ट जब जाऊँगी तो मैं लेकर के आऊँगी। और चौथी ये जूडियो की है नेल रिमूवर, बहुत मिनी है मतलब छोटी सी है, अगर आप कहीं शादी पार्टी में मतलब शादी वगैरह में जा रहे हैं तो पॉकेट फ्रेंडली है, आप पर्स वगैरह में अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आपकी जो मेकअप पाउच होती है आप देख सकते हैं, ये मेरी उंगली से मैं इसे मेज़र करके दिखा रही हूँ, बस ये जो 2 लाइन होती है ना बस ये इतनी ही है, बाकी यहाँ से ये इसकी जो लीड है वो है, तो बस ये इतनी ही है। तो ये भी अच्छी लगी, अब यूज़ करने पर कैसी है ये मुझे नहीं पता, तो देखती हूँ यूज़ करके ये कैसी होगी। स्टूडियो से मैं ये एक टी शर्ट लेके आई हूँ बेटे के लिए, और ये है 299 की और अच्छी है डेली यूज़ के लिए, पहनने के लिए ये मुझे अच्छी लगी। और कॉटन की ये एक जॉगर पैंट होती है ना, ये वो ली पैंट, पजामी टाइप है, इस तरह से डोरी है, ये पॉकेट ऐसे स्लिट में इस तरह से कट की हुई है, और इसकी जो मोरी है इस तरह से इलास्टिक लगी हुई है और ये बंद है। ये ठंड वगैरह में काफ़ी अच्छी लगती है, नीचे से जो है ना हवा वगैरह नहीं आपके पाँव के अंदर मतलब जाती है, ठंड नहीं लगती है। और इसके जो कपड़े हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हस्बैंड अपने लिए भी देख रहे थे पर उनको मिली नहीं, तो वो नहीं लिए, नेक्स्ट टाइम जब मिलेगी अगर उनके लिए तो वो मिल लेंगे अपने लिए। तो ये अच्छी थी। तो जूडियो की एक स्लीपर रह गई है, तो वो बाहर मैं दिखाऊँगी अभी आप लोगों को। ये एक साड़ी मैं लाई हूँ दुर्गा पूजा के लिए ही, और इसे मैं जैसे येलो कलर मस्टर्ड कलर में, ये हल्दी कलर में है, तो ये मैं ली हूँ कुछ पूजा पाठ वगैरह में करने के लिए। और इसकी जो आँचल है वो कुछ इस तरह से है, मैं दिखाती हूँ इस तरह से, और इस तरह से डोली का हार यहाँ पर बनी हुई है साइड में, तो पूजा पाठ में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अभी मैं जागरण पूजा करूँगी तो मैं इसी को चढ़ाऊँगी अपने लिए, मतलब जो कपड़ों की पूजा होती है षष्ठी के दिन कहते हैं, दुर्गा जी को कपड़े चढ़ते हैं, और सप्तमी के रोज़ हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, उससे पहले हम नए कपड़े नहीं पहनते हैं। तो मम्मी के यहाँ मैं हमेशा देखी हूँ कि कपड़ों की पूजा होती है, तो इस तरह से मैं ये ली हूँ अपने लिए। और ये लहरिया में है, मैं दिखाना भूल गई, ये बॉडी कुछ इस तरह से है, ये मैं लोकल मार्केट से ये लेकर के आई थी, पूरी लहरिया साड़ी है ये पूरी बॉडी में। और हस्बैंड की जो टी शर्ट लाई थी वो भी लोकल मार्केट से ये लेकर के आई हूँ मैं। ये मैं बेटे के लिए मोबाइल बोली थी लाने के लिए, क्योंकि बेसिक मोबाइल चाहिए क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह जाता है तो थोड़ा टाइम हो जाता है आने के लिए, तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो इस पर नेट वगैरह चलती है बट उतनी अच्छी मतलब नहीं है नेटवेट चलाने के लिए, तो ठीक है कम रेंज में ट्यूशन वगैरह के लिए देने के लिए, ट्यूशन जाता है तो उसके लिए अर्जेंट थी, तो ये भी मैं लोकल ही ली थी।
और एक प्रोडक्ट रह गई है, तो वो है ये, मैं अमेजोन से बेटे के लिए लंच बॉक्स ली हूँ, दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है, फोर कंपार्टमेंट वाली, इसमें इस तरह से लॉक दिए हुए हैं, इस तरह से ये खुल जाते हैं। और इसकी जो लीड है ये एक्रिलिक की है, और ये वैक्यूम के लिए दी हुई है, ये जो यहाँ पे रबड़ लगी हुई है, और ये चार खाने दिए हुए हैं इसमें। तो ये एक टिफिन है छोटी सी जो दी, कि एयर टाइट इसमें लीड लगी हुई है, छोटी सी है, ठीक है, अगर आपको कुछ सब्जी ग्रेवी वगैरह देनी है तो ये गिरेंगे नहीं इससे। और ये है स्टील की, काफ़ी अच्छी है ये। और ये है स्पून वगैरह, तो इस तरह से ये स्पून है, ये फोक है, और ये चॉपस्टिक दी हुई है नूडल्स मैगी वगैरह खाने के लिए। तो अच्छी लगी मुझे टिफिन, इस तरह से आप स्पेस दी हुई है स्पून फोक वगैरह रखने के लिए, चॉपस्टिक वगैरह, इसी में मैं इस तरह से इसे रख दूँगी। तो अभी यूज़ नहीं की हूँ, नवरात्रि के बाद इसे दूँगी यूज़ करने के लिए, और ये इस तरह से मैं बाहर लगा दूँगी। और ये लॉक इतने सारे क्यों दिए हैं पता नहीं, इतने सारे लॉक की ज़रूरत थी नहीं, इसे तो ताला ही चाबी लगा देते हैं। तो अच्छी है ये टिफिन, तो कैसी लगी शॉपिंग जरूर बताइएगा। अगर लंच बॉक्स की आप लोगों को लिंक चाहिए बेटे की, इस लंच बॉक्स की, तो बोलिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, और देखूंगी अगर मैं एडिटिंग की तो उसी टाइम पर ही मैं लिंक दे दूंगी, और हस्बैंड की जो टिफिन लाई थी उसकी भी मैं लिंक दे दूंगी। तो यही थी हमारी शॉपिंग, कैसी लगी आपको तो बताइए, कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।